नमस्कार, न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली में कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें कि कल की बैठक से पहले आज दिल्ली के जो जेडीयू ऑफिस है वहाँ पर पार्टी के जो पदाधिकारी है उनकी एक बैठक होनी है, जिसमें कहा जा रहा है कि कल का क्या कुछ एजेंडा रहेगा उस पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि इस समय दिल्ली स्थित जो जनता दल यूनाइटेड का केंद्रीय कार्यालय है सात जंतर मंतर, वहाँ पर हमारी मौजूदगी है और वहाँ पर जो नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के जो तमाम लोग आएंगे उनके स्वागत में कई पोस्टर लगा हुआ है। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है पूरा पोस्टर लगा हुआ है। और इस पोस्टर में जो सबसे खास बात है कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका ही पोस्ट जो फोटो है वो पोस्टर से गायब कर दिया गया है। विजुअल बता दें, पिछले कई दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि जो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है उसमें नीतीश कुमार क्या कुछ बड़ा फैसला लेते हैं, लेकिन जो तमाम कयास लगाया जा रहा था कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, उस दिशा में कहीं ना कहीं ये पोस्टर जो है तमाम इशारा कर रहे हैं कि कल की जो बैठक है उसमें नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं और ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जो बैठक होगी कल की उसमें क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है। कि कल दिल्ली स्थित जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वहाँ पर जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसमें बदलाव कर सकते हैं। बता दें कि आज जो जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक है उसमें कहा जा रहा है कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ललन सिंह अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। उसके बाद ही कल का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें यह प्रस्ताव लाया जाएगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद जो कौन नया अध्यक्ष बन सकता है उस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन देखना होगा कि कल की बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन बैठक से ठीक पहले जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में जो तमाम पदाधिकारी और जो तमाम नेताओं के स्वागत में जो पोस्टर लगाया गया है, इस पोस्टर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में है उनका ही फोटो गायब कर दिया गया है। और यह पोस्टर जो है, ये तमाम पोस्टर दिल्ली प्रदेश के की ओर से लगाया गया है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष की ओर से लगाया गया है, जिसमें जो ललन सिंह है उनका ही फोटो गायब कर दिया गया है। दिल्ली से न्यूज़ फॉर्मेशन के लिए मैं धीरज सिंह।